हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी हो? यू आर डूइंग गुड एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एंड धूप ऐसी आने लगी है ना अभी, इसे ठंड वाली धूप है, थोड़े से भी तेज लगती है। मेरे खाते की क्या कर रहे हैं? सो दशहरा के दिन उठते ही सबसे पहला काम यही। दशहरा के दिन सबसे पहले इनका काम यही रहता है कि दोनों कार वॉश कर लिया वो भी है ना, कार वॉश हो चुकी है, बस बाइक कर रहे हैं ये। आज हमारे पास बहुत सारे काम पेंडिंग आज के लिए है ना, मतलब रोज की काम है लेकिन आज के तो है कुछ ज्यादा ही। जो कि हमें करना ही है तो आज हम बस, मैं तो नहा चुकी हूँ, ये भी नहा लेंगे, देन उसके बाद रेडी होकर के तुरंत निकल जाएंगे। क्यों? तो सारा काम निपटाएंगे। और अभी माता जी के पंडाल में हो रही है पूजा, और मंदिर में भी बहुत सारे लोग इतने समय आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल नहीं पता चला यार, शॉपिंग करने में भी टाइम निकल गया, और नवरात्रि वैसे भी समझ नहीं आती। हाँ ना, वही तो। सो आज दशहरा है और आज हमारे यहाँ माता जी के प्रांगण में भंडारा भी है। हवन भी है। नमस्ते अंकल जी, हैप्पी दशहरा। तो मम्मी भी आएंगे तो पूजा भी कर देंगे। अभी मैं आप लोगों को भोलेनाथ के दर्शन भी करवा देती हूँ। यहाँ से मंदिर की भी साफ सफाई हो रही है अभी, और यहाँ है हमें बुलेट। चलते हैं घर के अंदर। हाँ, नवरात्रि के दिन कैसे जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। और कल था नवमी वाला दिन, तो हमारे कॉलोनी में कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था, तो कल सबको प्राइजेस मिल रहे थे। तो म्यूजिकल चेयर वाला जब गेम हुआ था तो मम्मी उसमें विनर हुई थी, तो मम्मी को भी मिला। उसकी भी क्लिप मैं डाल रही हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिएगा। एंड माता रानी का श्रृंगार किया था हम लोगों ने, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा प्राइज हुआ, क्योंकि ये ना हमेशा क्या होता है जब ऐसे काम होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आगे रखते हैं खुद को कि माता रानी की सेवा हो जाएगी, तो वो उन्होंने किया। कल तो हमारी जयश्री भी प्रसाद वितरण कर रही थी। इसकी भी क्लिप है, तो कल के कुछ क्लिप्स हैं, छोटी छोटी सी हैं, तो वो सब मैं ऐड करती हूँ, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। उर्मिला नाम ने हो, इन्होंने म्यूजिकल चैनल तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां हो जाए। अच्छा, खुद बच्चों ने फील्ड में काम किया था। समृद्ध, समृद्ध कौन है? समृद्ध, समृद्ध नहीं आया? यह समृद्ध लाहौरिया, लाहौरिया कौन है? कमिटी में शामिल हुए हैं, परसाई से लेके भंडारे में और मूर्ति लाने में, विसर्जन में, सभी काम में एक्सपर्ट है। उसके बाद में दीपक पारासर, ये भी अच्छे पर्सन है। दीपक, दीपक कौन है? ये तो आज हमारे यहाँ कॉलोनी में हो रहा है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मम्मी को, मम्मी किसमें, म्यूजिकल चेयर में मम्मी को मिला है, भैया को मिला है वो प्राइज। और ये हमारी छोटी छोटी कन्याएं आ गई हैं पानी पीने के लिए, ये लोग खेल रही थी और इनको बहुत ज्यादा प्यास लग गई, तो यहाँ मम्मी दे रही है पानी, गला सूख गया इनका, खुद ही बता रही है। और इसकी चोटी तो देखिए, वाह कितनी सुंदर है ना, अच्छी है ना? कौन किया है आपकी चोटी, ये बताओ? नानी मम्मा। अच्छा, नानी मम्मा की है, बहुत सुंदर है। मेरी नानी मम्मा करे चोटी। अच्छा, पहले मुझे दो पानी, पहले मुझे दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लगा लेना मुँह, कह रही मैं मुँह लगा के पीऊंगी। देखो ये अपने से ही आ गई ग्लास लेने के लिए, इधर है, इधर ऊपर। क्या बोलोगे?
आशीर्वाद दे क्या बोलोगे? जाओ आशीर्वाद दे दो, जाओ जाओ आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी रहे। थैंक यू। वो अपने से वो आ गई। हां पानी पीना है। सदा सुखी रहे। थैंक यू। अच्छा सो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम लोग जा चुके थे मार्केट, इसलिए हम लोग उस समय पे अवेलेबल नहीं ही थे। शाम तक हम नहीं आ पाए थे, रात हो गई थी हमें आने में, इसलिए जया और मम्मी गए थे प्राइस लेने के लिए और जैसी गई हुई थी। तो हम लोग गए हुए थे न्यू मार्केट बिकॉज मुझे लेनी थी करवा चौथ वाली ड्रेस। वो अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ पाई थी कि क्या लेना है। मुझे मन था कि मैं लहंगा ना पहन के कुछ और ही ट्राई करूँ, या तो फिर कुछ वेस्टर्न में या इंडो वेस्टर्न में मिल जाए तो वो ट्राई कर लेती हूँ। लहंगा पहनने की इच्छा नहीं हो रही थी अभी, तो देखते हैं कि क्या होता है। या तो फिर लहंगा ही लूँगी या तो फिर कुछ और अगर अच्छा सा मिल जाएगा तो फिर वो ले लूँगी। अभी पता नहीं क्या मिल पाता है क्या नहीं मिली, तो आज तो मैं मुझे नहीं मिल पाया, अब देखती हूँ कि कल क्या मिल पाता है। बाकी मैंने साड़ियाँ तो बहुत सारी ले ली और बहुत सुंदर सुंदर ले ली, तो वो सब कुछ हो गया और फिर हमें लगती थी भूख। उसके बाद हम लोगों ने खाए गोलगप्पे, बिकॉज तो भूख लगती है ना, छोटी छोटी वाली भूख लगती है ना, तो गोलगप्पे से अच्छा कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पर दिवाली की भी सारी, मतलब मार्केट पूरा एकदम अच्छे से भरा हुआ है, सब कुछ न्यू चीज़ें आ चुकी है। और डेकोरेशन, हमारे भोपाल का डेकोरेशन तो इतना अच्छा हो रखा है ना, अभी इतना सुंदर लग रहा था जब हम यहाँ से निकल रहे थे, मतलब एकदम स्वर्ग में पहुंच गए एकदम। बहुत ही अच्छा, कैमरे में तो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाता जितना अच्छा आंखों से देखने में सामने से लगता है ना। माता रानी के भजन चल रहे हैं तेज़ तेज़ एकदम, और ऐसे हम लोग निकलते जा रहे थे, इसके नीचे से सीरीज इतनी सुंदर लगी हुई थी ना, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। और इधर था मंदिर जय हनुमान जी की इधर था मंदिर, और आगे जाके मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। इतनी सुंदर माता रानी बैठी हुई है ना यहाँ पर कि क्या बताऊँ। और पंडाल कितना सुंदर, केदारनाथ मंदिर जैसा पंडाल बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ काली मैया है, मैं दिखाती हूँ, बहुत तेज म्यूजिक लाउड म्यूजिक चल रहा था इधर, और ये माता रानी छे हमें यहाँ, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। सो यहाँ पे अभी हो रही है बाइक की पूजा, क्योंकि अभी धुल गई है, चमक गई है मस्त हम लोगों को जाना था इसलिए हाँ हम लोगों को निकलना भी था अभी मार्केट, तो फिर अभी मम्मी पूजा कर दे रही है, बहुत अच्छे लग गया अभी। तो यहाँ पे बाइक की पूजा हो गई, देन उसके बाद हो जाएगी कार की। कार की हो गई मम्मी, इस साल इस वाली कार की पूजा कर दो, अगले साल बड़ी वाली कार, नई कार की पूजा करना है ना, ऐसा क्या सरप्राइज है क्या अगले साल तक तो हो ही जाएगा विश तो करनी चाहिए गाइज, आप लोग भी ढेर सारी विशेस कर दीजिए कि ऐसा हो जाए, नेक्स्ट ईयर तक हमारी बड़ी वाली कार आ जाए इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है ना कि मैं इधर छाए में आके खड़ी हो गई हूँ, और इधर अभी अंदर भोलेनाथ की पूजा हो रही है कार के अंदर, फिर आसमान है, ये जय हो भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। पूजा होने के बाद हम लोग ये रेडी हो चुके हैं, मैं भी जल्दी से जाकर रेडी हो जाती हूँ क्योंकि आज हमें फिर से शॉपिंग में जाना है, मीन्स हमारी सारी साड़ियाँ पेंडिंग है ना, तो वो सब लेकर के आनी है हमें, पॉलिशिंग वगैरह के लिए दी हुई थी न्यू वाली साड़ीज, तो वो सब लेकर आना है। और तो मैं भी जाती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वो सारी साड़ियाँ जो मैं लेकर के आऊँगी वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और भी कुछ कुछ लेने जाना है, शाम में हमें न्यू मार्केट भी जाना है जय जस्टी को, और भी ड्रेसेस दिलवाने के लिए।
आज फाइनली मतलब जो ड्रेसेस वाली शॉपिंग है ना वो आज कंप्लीट हो जाएगी, दशहरे वाले दिन आज कंप्लीट हो जाएगी सारी शॉपिंग। और कल से कल में भी हम जाएंगे सिटी मार्केट, मतलब ओल्ड भोपाल में एक सिटी मार्केट करके है मार्केट, चौक मार्केट भी बोलते हैं उसे, तो वहाँ जाना रहेगा हमें, वहाँ से हम लेंगे डेकोरेशन के सामान और कुछ लेना रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा ताकि सारी अपडेट्स आपके साथ मिलते जाए टाइम टू टाइम। मेरी बिंदी इधर हो गई है थोड़ी सी, तो मैं जाती हूँ फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू।